जी राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो अभी सुबह के बजे हैं 9, और देखिए हम कैसे करते हैं अपने पितरों का स्वागत। आज से श्राद्ध शुरू है, तो जो जो मैंने बनाया वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा, क्योंकि वीडियो बनाने में लग जाता है बहुत ज़्यादा टाइम। तो मैंने फटाफट से काम करा, और अभी मैं यहाँ पर कर रही थी जो हमारे अपनी भाषा में न्यूज बोलते हैं, वो मैंने उनकी पूजा करी और पितरों का स्वागत किया। तो देखिए कैसे कर। तो यहाँ पर ये बना दी है मैंने सेवियाँ, और अब मैं बनाऊँगी सूखे आलू और उसके बाद बनाऊँगी चपाती। तो ये यहाँ पर मैं तड़का कर रही हूँ और आलू मैंने उबाल दिए हैं। अब करूँगी आलू के लिए तड़का। तो इसमें मैंने सूखे मसाले डाल दिए, जीरा, मेथी और ये धनिया। और ये यहाँ पे पितरों के लिए रास्ता बनाया है, और इसको हम गोबर से लिपते हैं और यहाँ पर ये पत्थर रखते हैं। तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ऐड करी यहाँ से, ऐसे मैंने कच्चे फर्श की लिपाई पहले कर ली थी और नीचे ये लिपाई कर दी और ऊपर रख दिया लिफाफा। तो ये यहाँ पर मैंने तैयारी कर दी थी, ये यहाँ पे बैठने के लिए रख दिया पितरों के लिए पत्थर, और पहले गोबर की लिपाई कर ली यहाँ से, गाय के गोबर की, यहाँ से साइड साइड से, क्योंकि जूते मतलब पैर नहीं लगने चाहिए। तो उसके बाद मैंने ये फूल, दुर्भा, तिल, दूध और पानी, उससे पितरों का रास्ता ये करा साफ और उनको फूल का रास्ता बनाया। तो यहाँ से लाए पितर, और देखिए यहाँ तक प्रिंस आ गया। यान जाना वही रुक जा। और यहाँ पे फिर एक करा मैंने, ये यहाँ पे पानी लिया हुआ है लोटे में, और ये है इसको हम अम्मी दाब बोलते हैं। अम्मा अम्मा क्या अच्छा कर बैठ जा। तो रहा अम्मी जा प्रिंस भी करेगा पूजा, है ना? करनी तूने भी। ये इसको दाब बोलते हैं हम अपनी भाषा में। तो इससे लाते हैं जब रास्ता एक बनाते हैं पितरों के लिए अंदर को। तो यहाँ पे वीडियो बनाने वाला नहीं था कोई नहीं, और फिर फोन किसके पास मैं पकड़ाती। तो फिर मैंने ये पूजा कर ली पहले, तब सोचा कि आपके साथ अब करती हूँ शेयर। तो यहाँ पे नीचे मैंने लिफाफा बिछा लिया था और ऊपर ये गेहूँ रखी, ये नीचे गेहूँ रखी है और ये ऊपर। तो ये यहाँ पे रखा और इसके ऊपर ये चपाती रखी, दो दो चपाती घी लगाया इनमें, और ये सूखे आलू बनाए थे और ये सेवियाँ बनाई थी। तो दो ने उस मैंने सेवियों के रख लिए, क्योंकि खीर बनाने में भी टाइम लगना था, तो मैंने इसमें ही दूध डाल दिया। और इसमें हम तिल डालते हैं इनके ऊपर, ताकि औरों की पूर्व ये नहीं ले सके, जो पितर होते हैं हमारे ही पितरों को मिले। ये तो भगवान जी को पता है कि वो बेचारे अब दूसरी बार जन्म ले चुके, कि अभी उसमें ही है। तो इसमें तिल डालते हैं पानी में भी, और ये कांसे की थाली में दूध, तिल, चावल, और ये यहाँ पे आग के अंगारे ली हुई थी मैंने, इसके ऊपर घी रखा था। तो इसका धूप जलाते हैं, और ये यहाँ पे दीपक जलाया हुआ है तेल का। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर हिमाचल में पितरों का स्वागत किया जाता है। और अब मैं फटाफट से ये रोटी गाय को दे दूंगी, और जो मेरे ननद वगैरह आएंगे या पुरोहित आए तो उनके लिए ये गेहूँ दाने मतलब नसरावा उनको देते हैं। तो अब मैं इन
ये चपाती है यहाँ पे, इनको गायों को खिलाऊंगी। और ये पानी भी पहले पैर धुला लूँगी अपनी गायों के और फिर ये चपाती दूँगी। तो अगर यहाँ पे बच्चे आ गए होंगे तो उनके पास फ़ोन पकड़ा करके करूँगी, अगर नहीं आए होंगे तो अब मैं ये चपाती गायों को दूँगी। और पैसे भी चढ़ाते हैं, यहाँ पे पैसे भी रखे हैं। आज हमने पितरों का ही स्वागत करा, आज हमारी ऐसे किसी की तिथि नहीं थी, ऐसे श्राद्ध नहीं था, पर आज हमने पितर अपने घर में बुलाए। तो इस तरह से किया जाता है गांव में पितरों का स्वागत। और ये मैं फूल के ऊपर, फूल के जो चक चक चक, तो यहाँ पे कल्पना थी। और बोलते हैं कि जैसे बेटियाँ होती है हमारी, तो इनसे ये मैंने क्योंकि पूजा करी थी तो मैं नहीं उठा सकती थी इनको, और अब ये उठाएगी और मेरे पास दे करके फिर मैं दे दूंगी अपने गाय को। तो ये कल्पना उठा रही है यहाँ पर। और दो टुकड़े मैंने यहाँ पे फेंक दिए ऊपर, हमारे छत के ऊपर फेंकते हैं उनमें खीर लगा करके। तो देखिए कालू को कैसी जल्दी लगी है। और पहले मैं इसके पांव धुला लूँगी, देखिए क्या कर रही है। और ये कालू हमारी ऐसी है, पहाड़ी भी है और ऐसी मिक्स जैसी है, पहाड़ी और जर्सी। तो अब मैं इसको खिला लूँगी। बोलते हैं कि अगर गाय को ये खिलाएं जो हम श्राद्ध के दिन पूजा करते हैं और गाय को देते हैं रोटी, तो ये हमारे पितरों को मिलती है। तो रोटी मैंने खिला दी, अब मैं पिला रही हूँ पानी। तो कल्पना बना रही है, यहाँ पे वीडियो प्रिंस भी मेरे साथ था। तो देखिए पानी पी लिया इसने। ये मीनाक्षी थी वीडियो बनाने वाली, कल्पना थी। तो हर कैसे ही बनाई है इसने। राम राम, जय माता दी।